भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप का फाइनल एक वक्त इतने रोमांच पर आ गया कि हर कोई हैरान रह गया। दरअसल जल्दी जल्दी टीम इंडिया के विकेट गिर गए, उसके बाद सारी जिम्मेदारी टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर आ गई। धोनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन एक गेंद को नहीं समझ पाए और गेंद बल्ले का भारी किनारा लेती हुई सीधा विकेट कीपर के पास चली गई। मुशफिकुर रहमान की एक गेंद को धोनी समझ नहीं पाए और वो सीधा विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम के हाथों में चली गई। लेकिन इसके बाद मैदान में सन्नाटा सा पसर गया, हर कोई हैरान रह गया। ड्रेसिंग रूम में भी सब कोई सोचने पर मजबूर हो गई। उसके अलावा नन्ना सरदार भी किस तरह से दुख में दिख रहा था, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पारी के दौरान 67 गेंदों का इस्तेमाल किया जिसमें 3 चौके लगाए। हालांकि उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन धोनी का विकेट जल्द गिर गया। इस खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यहीं मिलेंगी।